ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बुलंदशहर से, जहां पशुपालन के समग्र विकास के लिए आनंदा डेयरी के नंदा पशु आहार प्लांट में एक ही सराय गांव के 500 से ज्यादा किसानों को सीनियर वेटरनरी डॉक्टर ने पशु आहार खिलाने के महत्व के बारे में बताया। साथ ही आनंदा डेयरी के चेयरमैन राधेश्याम दीक्षित ने भी पशुओं के बारे में बताया कि आनंदा डेयरी पशुओं के गोबर से बने उपलों को खरीदेंगे, पशुओं के इलाज के लिए घर घर निःशुल्क डॉक्टर की सुविधा दी जाएगी, कृत्रिम गर्भधारण होने वाला सीमन से भी बच्चे ज़्यादा दूध क्षमता के पैदा होंगे, जिसे आनंदा डेयरी उपलब्ध करवाएगी। देखिए, ये जो कार्यक्रम है, आज किसान को हम जो बोलते हैं कि अन्नदाता, और अन्नदाता को क्या होता है कि जब वो अपने फसल उगाता है तो आज बाढ़ आ रही है, कल तकलीफ है, कोई सूखा पड़ रहा है, उसकी फसल का दाम अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आनंदा एक जिम्मेदारी लेकर के काम ये करना चाहता है कि जो डेयरी फार्मिंग है, जो कैश क्रॉप है, दिन में दो वक्त उसके घर में पैसा आ सकता है, उस क्रॉप को कैसे बढ़ाया जाए।